तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं शिमला। तो ये रही हमारी गाड़ी जिसमें हम शिमला जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हम अभी रेडी हो चुके हैं मस्त। अभी टाइम हो रहा है अभी 9:20। हम यहाँ 10 बजे हम निकल जाएंगे। अभी रात के 9:20 हो रहे हैं और यह हमारा पढ़ना, क्योंकि पसीना बहुत आता है भाई साहब गर्मी में। तो शुरू करते हैं अपनी इस अमेजिंग जर्नी को। वो रही हमारी गाड़ी जिसमें हम जाएंगे, ये वाली। चलो भाई। हाँ मिस्टर जिलानी, क्या इरादा? शिमला चल ले। गर्मी हो रही यार यहाँ तो बहुत। हाँ थोड़ा ठंड का मजा लेंगे थोड़ा चल के वहाँ पे। और क्या चश्मा मैंने रख लिया, बैग में रख लिया चश्मा, तो तुम भी रख लो। हाँ इसमें बैठे हैं भाई साहब। जल्दी पिछली लाइट। हाँ भाई साहब क्या नज़ारे हैं यार, शिमला के नज़ारे गजब। भाई बहुत खतरनाक चले यहाँ की, तो कुछ सामान दे दिया घर वालों ने, और नहीं चढ़ रहा हमारा तो कुली बन गया यार हम तो। इतनी बात अच्छी है, कोई 10 दिन यहाँ एक्सरसाइज कर ले सामान ले, 10 दिन में उसका वजन कम हो जाएगा। देखो एक आदमी उगल डे मारे वहाँ, वही बड़ा बेकार है। तो ये उतरने के लिए ठीक है, चढ़ने की बात नहीं है भैया। जी तो गाइस नजारे देख सकते हैं आप। अरे बाहुबली इसकी बनाओ भाई, भी जा रहा आदमी। अरे इसकी बनाओ, मेरी बन रही। तो गाइस देख सकते हैं हमारे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, हमसे जो है बैग ढुलवाए जा रहे हैं। ये बात अच्छी नहीं है गाइस। चल बस बंद कर दे, सामान बांध रहे हैं यार अपना, जो हमारे बैग वगैरह हैं। मिस्टर अब्दुल कादिर जिलानी बहुत मेहनत करते हुए लगे रहो गाइस। बहुत बढ़िया व्यूज है यहाँ का है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ये देखिए यार गजब का व्यूज है भाई साहब। तो गाइस कूफी पहुंच चुके हैं, गाड़ी हमने वहाँ लगा दी है, वो खड़ी है गाड़ी। आप नज़ारा चेक कर सकते हैं यहाँ से भाई साहब। धुंध हो रही है यार, कुछ नहीं दिख रहा है नीचे का। थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा टी शर्ट वी शर्ट में और नीचे जॉगर्स पहने हैं, और मेरे नीचे 80,000 के शूज। तो चलो भाई आगे चल ले। और जाओ कहाँ चलना है? ड्राइवर साहब तो थे बैठे, बाल सेट कर रहे अभी तक के। आ जाएंगे वो भी, आ जाएंगे। यार कुफरी तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ कुछ घूमने की जगह ही नहीं मिल रही है। कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, घूमने कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कोई कह रहा ऊपर जाओ,
कोई कह रहा है इधर नीचे जाओ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ तो चले कहाँ ना चले। तुम्हें कुछ समझ आ रहा भाई साहब? ना भाई साहब, चेक कर पा रहे क्या क्या कुछ करना है क्या क्या नहीं करना भाई? ये तो है अभी देखो, एप्पल गार्डन में आ गए आप, ये वाले एडवेंचर्स कर सकते हो। बाकी इधर भी कोई नहीं है, बस यहाँ पे एजेंट खड़े कि हम आपको यहाँ घुमा देंगे वहाँ घुमा देंगे। तो गाइज अगर आपको ऊपर एप्पल एडवेंचर पार्क घूमने जाना है तो इन घोड़ों का सहारा लेना पड़ेगा। 3 किलोमीटर बता रहे हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ पर भी घोड़े खड़े हैं। हाँ भाई क्या कर रहे तुम यहाँ खड़े हुए? यार इतना सब कुछ दिखा तो रखा है यहाँ, लेकिन हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। या तो ये सब ऐसी, नहीं तो हमारी आंखा खराब है फिर, हमें ये दिख नहीं रहा। मगर ये जो इतना सब कुछ यहाँ दिखा रखा, हमारी आंखा खराब है, हमें दिख नहीं रहा। हवा में साइकिल चला सकते हैं। अरे घोड़ा खुद मार बेचारा हो जाएगा, कितनी चढ़ाई है वो तो देख लो, देखो कितनी चढ़ाई है। बस देखो क्या इरादा, ये सारे इरादे हमारे से लोगे वीडियो में। बंद करो उसको, वीडियो नहीं बंद होने की, यूट्यूब पर डलेगी यार। बड़ा शानदार नजारा हो रहा, सारे में बादल ही बादल हो रहे यार। दूर से खड़ा है, पीछे भी देखो मैं फोटो लिया, फोटो स्नैप में आ रहा था। बढ़िया फोटो खींचे सारा। स्विमिंग पूल है यहाँ तो, क्या हो गया हम भी तो बच्चे यार, हम नहीं बच्चे हैं, हम भी नहा लेंगे इसमें तो। हमें तो तैरने वाला चाहिए, हाँ तैर जाएगा। कोई बात नहीं, लिट के नहा लेंगे जैसे खेत में नहीं नहाते इस तरह। किधर चलना काम है? यह है शिमला का पार्क, बच्चों के खेलने की चीजें हैं यहाँ हैं। बच्चे आगे बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं, झूला झूल सकते हैं। इधर ट्रेन भी है, जहाज भी है भाई। ये देखो बच्चे स्कूल का बंक मार के यहाँ फिर रहे, अद्धे गेम खेला जा रहा है यहाँ तो। ये देख, ये यहाँ भी गेम खेला जा रहा, स्कोर्ट बनी हुई। सही है यार वैसे, लेकिन बेहतरीन यार, मौसम बड़ा कैड़ा हो रहा, मजा आ रही है। मौसम तो ऐसा हो रहा है, दिल गार्डन गार्डन है। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर का 1:35 और हम पहुंच चुके हैं मॉल रोड शिमला। ये आफी, ये अब्दुल कादिर और ये मैं। यह है मॉल रोड और ये कुछ नज़ारा इस तरह से। यहाँ पर जिसको किताबें पढ़नी हो किताबें पढ़ सकता है। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, गजब का मौसम हो रहा है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं जहाँ पर 3 इडियट्स की मूवी की शूटिंग हुई थी यार, उसके लिए हमें इन सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा। हाँ यार बहुत सीढ़ियाँ पार करवा दी शिमला ने,
भाई बहुत ऊंचाई पे यार, हम तो थक गए सच्ची में, टाइट हो गए हमारी टांगे भाई साहब। बहुत हिम्मत चाहिए यार इन सीढ़ियों को पार करने के लिए। यहाँ पर घुड़सवारी भी कर सकते हो, घोड़े गए ये कुछ ऊपर का नजारा, ऊपर चल ले आओ। हाँ तो वो है क्या उस वाले घर में, तो इसी घर में हुई थी शूटिंग शायद, शायद शायद ऐसे काम चलेगा शायद। भाई साहब तुम नज़ारे देख सकते हो, वहाँ से दिखेंगे नहीं लेकिन फिर भी ये वही जगह है जहाँ पर थ्री इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी, जहाँ पर रेंचो और दास चांचड़ उसका दोस्त राजू रस्तोगी बैठा था। और यहाँ से कुछ नज़ारा देख सकते हैं कितनी भीड़ है। तो गाइस घूम लिए हैं अभी शिमला मॉल रोड पे, अब चलते हैं घर की तरफ, मतलब रूम की साइड जिधर अपना रूम है। क्या हुआ मिस्टर जानी, क्या बात होगी, चल रही हो, टेंशन नहीं लेना, बहुत घूम लिया भाई। नज़ारे चेक करो यार, बादल ही बादल। तो गाइस अभी हम चल दिए हैं शिमला से वापस घर की साइड, इसी रास्ते से हम कहाँ से वापस आ रहे हैं भाई, मज़ेदार रोड्स मज़ेदार। फिलहाल रुके हैं थोड़ा ढाबा पे कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए। रोड्स बहुत अमेजिंग है यार, बहुत अमेजिंग व्यू है। अभी भी बादल बादल हो रहा है सारे में। तो मिस्टर दानिश कैसा लग रहा है? अजी बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है जिंदगी में, ऐसा मज़ा ही नहीं देखता जिंदगी में जैसा आ जाया। शिमला जाके कैसा लग रहा है? शिमला जाके मज़ा आ गया, टांगों दुखी बस, पंद्रह दिन हाँ बस ऐसे मज़ा आ गया। चलो मज़ा आना चाहिए और क्या। हाँ हाँ सही बात, बाकी मज़े ले रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। हाँ जी रोड भी बड़े शानदार हैं, मेरे मोबाइल में फैसिलिटी है, तुम तस्वीर भी दिखा सको अपनी और बोलते हुए देख सको। ओ डुअल वा, ये गाड़ी खड़ी है गाइस, हम वहाँ से आ रहे हैं उधर से उस रोड से और यहाँ अभी पहुँचे हैं और अभी हमें वहाँ जाना है उस रोड पर। बहुत टाइम लग जाएगा यार वहाँ जाने में। हाँ बहुत टाइम लग जाएगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक उड़न तस्तरी ले लूँ और यहीं से अपना अपने आप को उठा लूँ और वहाँ जाके अपना लैंडिंग पे पहुँचाऊँ। अलादीन वाली अलादीन वाली सही है।